हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी। तो दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक दो क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, सामने जो आपको दिख रहा है, अगर इतना चीज पर कमांड हो गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। वैसे आगे धीरे धीरे तो पढ़ेंगे, लेकिन आज कुछ बेसिक चीज को, कुछ बेसिक फार्मूला को, कुछ बेसिक ट्रिक्स को सीखने वाले हैं। इन ट्रिक्स की मदद से आप सीआई के बेहतरीन सवालों को बहुत ही जल्दी चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, ये जो आपको फार्मूला लिखा गया है, यहाँ देख सकते हैं फार्मूला, ये फार्मूला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, पांच फार्मूला ही हम आपको देंगे, पंचतत्व इसको आप बोल सकते हैं। तो पांच फार्मूला से ही जितने भी सीआई के डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो सब धज्जियां उड़ जाएंगे। तो फिलहाल इन ट्रिक्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले कुछ बेसिक चीज समझते हैं कि सीआई क्या होता है। तो सीआई को समझने के लिए थोड़ा आपको एसआई को समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझा देते हैं। प्रिंसिपल दिया गया है 100 रुपया, यानी इसको हिंदी में मूलधन बोलते हैं। अभी मूलधन रेट और टाइम क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, आप पढ़ के आ चुके हैं, कंपटीशन लाइन में है आप। तो मूलधन यानी उधार लिया गया 1000 रुपया, रेट कितना लिया जा रहा है, 10% रेट लिया जा रहा है, समय कितना, 1 साल के लिए, यानी किसी व्यक्ति से या किसी बैंक से या कोई जो पैसा इंटरेस्ट पर लगाता है उससे 1000 रुपया 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए लेते हैं। तो एसआई क्या होगा और सीआई क्या होगा ये बताना है आपको। हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि जब रेट और टाइम दिया हुआ रहे, जब आपको रेट और टाइम दिया हुआ रहे तो आप आसानी से एसआई निकाल लेते हैं विदाउट फार्मूला की मदद से। एसआई प्रतिशत डायरेक्ट हम निकालते हैं, तो एसआई प्रतिशत क्या हो जाएगा वो जरा देख लीजिए। एसआई प्रतिशत के लिए करते हैं आर इंटू टी, आर और टी को गुना कर देते हैं, 10 आई को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। मतलब कि हमको 10% का वैल्यू निकालना है, तो जो मूलधन दिया जाता है वो हमेशा 100% का वैल्यू होता है। तो यहाँ 100% का वैल्यू कितना है, जो मूलधन दिया गया 100, तो 1000 रुपया हो गया आपको 100% का वैल्यू। तो हमको एसआई निकालना है कितना, 10% का वैल्यू ना, तो क्या कर देंगे 1000 गुना का 10, अब बटा का कर देंगे 100, 2020 खत्म हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं 100 रुपया, कितना हो जाएगा 100 रुपया, यानी एसआई कितना आ गया, 100 रुपया आ गया। सिंपल आप फार्मूला से भी निकालिएगा कि एसआई बराबर क्या होता है, तो पी अगुने आर अगुने टी या बटा के कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, पी हो जाएगा आपका 1000 रुपया, आर रेट हो जाएगा 10, आर टाइम हो जाएगा 1, आप बटा के 100 कर दीजिएगा, तो यहाँ से फिर कितना निकल जाएगा, एसआई भी 100 रुपया ही निकला। तो सीधा बात है भाई कि जब हम एसआई निकालने जाते हैं तो इस फार्मूला की मदद से निकालिए या ये बेसिक ट्रिक की मदद से निकालिए, बात वही पड़ेगा। तो ये तो एसआई निकालिए, अब चलते हैं सीआई क्या होता है उसकी जरा चर्चा कर लेते हैं। चलिए सीआई क्या होता है उसकी जरा चर्चा करते हैं। तो सीआई के लिए आपको, सीआई निकालने के लिए आपको पहले ये जानना जरूरत होगा, देखिए अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला है सीआई में लगता है। सीआई में अमाउंट का फॉर्मूला होता है टी इंटू 1 प्लस r/100 की पावर t होता है। और जब एसआई की बात करते हैं, एसआई में भी अमाउंट क्या होता है, एसआई में अमाउंट हमारा होता है एसआई और प्लस का प्रिंसिपल। अमाउंट जब हम एसआई में निकालते हैं तो एसआई प्लस का प्रिंसिपल लगाते हैं, बात समझ रहे हैं। इसमें अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस r/100 की पावर t। तो पहले उससे हम अमाउंट निकालेंगे और उसके बाद सीआई निकालेंगे, क्योंकि सीआई क्या होता है वो जरा देख लीजिए, सीआई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो पहले आप अमाउंट निकालिएगा तब ना उसमें से प्रिंसिपल घटाइएगा तो सीआई निकलेगा। तो आप पहले अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट का क्या फॉर्मूला, देखिए पी लगाते हैं, अमाउंट हम निकालने जाते हैं तब पी, तब पी कितना हो गया आपका 1000 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, 1 रखते हैं तो 1 हो गया, आर कितना दिया गया 10 दिया गया, बटा का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और टाइम कितना है 1 साल है, सीधा बात हो जाएगा यहाँ से 1000 आई 10 से 10 से 10 काट दीजिए, 10 से कहीं 10 आएगा 11 बटा कितना हो जाएगा 11 बटा 10, यानी 10 से 10 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1100 रुपया अमाउंट निकल गया। आपको सीआई निकालना है, तो सीआई निकालने के लिए क्या करते हैं आप, अमाउंट में से क्या कर देते हैं, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, अमाउंट हो गया 1100 रुपया और उसमें से माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल को 1000 को, तो कितना निकल के आ जाता है 100 रुपया आ जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कॉमन देख लिए कि अगर टाइम 1 साल दिया हुआ है, अगर टाइम 1 साल दिया हुआ है तो सीआई और एसआई दोनों बराबर होता है 1 साल के केस में। अब यहाँ 1 साल ना करके हम 2 साल करने जा रहे हैं, 2 साल करते हैं तब देखते हैं कि क्या हो जाता है, जरा 2 साल में निकाल लीजिए यहाँ पर, या
एसआई निकाल सकते हैं दो साल के लिए, तो 10 दुना कितना हो जाएगा 20%, यानी कि ये हो जाएगा एसआई प्रतिशत में 20%, तो 100% बराबर तो 1000 रह जाएगा, 1000 रुपया रह जाएगा। तो आपको 20% का वैल्यू निकालना है, तो 1000 और गुना का 20 और बटा का कितना हो जाएगा 100, 0 काट दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 200 रुपया। यहाँ से क्या निकल गया, अगर टाइम 2 साल लेते हैं तो एसआई कितना निकलता है 200 रुपया निकलता है। अब देखते हैं कि टाइम अगर 2 साल रखते हैं तो सीआई 200 आता है कि नहीं, काहे कि 1 साल के केस में सीआई और एसआई बराबर आ गया, 2 साल के केस में क्या होता है वो जरा देख लेते हैं। तो अमाउंट बराबर देखिए, सारा कैलकुलेशन वहाँ वही रहेगा, टाइम के जगह 2 रखाएगा ना, तो 2 रखा जाएगा मतलब 11/10 दो बार गुना हो जाएगा, तो इधर से 1000 हो गया गुना का 11/10 और फिर 11/10 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 11 × 11 कितना होता है 121 होता है, यानी 1210 रुपया आ गया। देखिए तो अमाउंट 1210 आ गया, तो सीआई के लिए आप क्या कीजिएगा, 1210 में से आप 1000 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 210 रुपया। तो यहाँ से क्या एक चीज हम अंतर पता कर लिए कि 2 साल जैसे ही बढ़ाते हैं, 2 साल जैसे ही बढ़ाते हैं, तो एसआई आया 200 रुपया और सीआई आ गया 210 रुपया, तो ये 10 रुपया कहाँ से बढ़ जाता है जरा वो समझ लीजिए, 10 रुपया बढ़ कहाँ से गया वो समझिए। इतना बात पहले आप ध्यान में रख लिए ना कि 1 साल के लिए एसआई अब बराबर होता है सीआई, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए एसआई बराबर होता है सीआई, ठीक है। एसआई 1 साल अगर दिया हुआ है तो एसआई या सीआई दोनों बराबर होता है, लेकिन जैसे ही 2 साल आ जाए, यानी 1 साल से जैसे ही ज्यादा आ जाए, सीआई एसआई के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होता है वो जरा देखिए, इसको मिटाने के बाद थोड़ा आपको समझाते हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जब 2 साल के लिए आप सीआई निकालने जाइएगा ना, तो सीआई निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पहले अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाता है वो जरा आप समझ लीजिए। प्रिंसिपल तो 2 साल के लिए सीआई निकालने में आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा वो प्रिंसिपल जरा समझिए। तो जो प्रिंसिपल शुरू शुरू में दिया गया है वो आप पॉलस के उसमें पहला का साल का एसआई, अगर दूसरा का साल का निकालने जा रहे हैं तो पहला का साल का जो साधारण ब्याज आया था उसको जोड़ देते हैं, तब जाके वो आपका प्रिंसिपल निकलता है। टोटल प्रिंसिपल की बात कर लेता हूँ, तो टोटल प्रिंसिपल इससे निकलता है, पहले साल का मतलब पहले शुरू शुरू में कितना मूलधन था 1000 रुपया था, तो 1000 रुपया हो गया क्या था, तो 100 रुपया इसमें क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ से कितना हो जाता है 1100 रुपया हो जाता है। यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि अब जो हम निकालेंगे सीआई, उसके लिए मूलधन हमारा हो जाएगा 1100 रुपया, कितना हो जाएगा 1100 रुपया। तो आप निकाल के आप देख सकते हैं, इस बेसिक फार्मूला का यूज करके आप बनाते होंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसा चीज आपको हम सिखाएंगे जिसकी मदद से आसानी से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो देखिए कुछ फार्मूला जो है वो फार्मूला का डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं। जब आपको क्वेश्चन में सीआई और एसआई दिया गया हो और रेट पूछ दे, तो ये फार्मूला का आप यूज कीजिएगा, या फिर सीआई एसआई और रेट दिया हुआ रहे और तीनों में से कोई 2 चीज दिया हुआ रहे तो आप तीसरा चीज आसानी से निकाल लीजिएगा, कहाँ जरूरत पड़ेगा वो सारा कुछ बताएंगे। अभी फिलहाल आप नोट करके रखिए, CI-SI बराबर होता है P×R/100 का स्क्वायर, ये कब लगाते हैं जब 2 साल की बात हो तब लगाते हैं, CI-SI बराबर P×R/100 का होल स्क्वायर × 300+R/100 ये कब लगाते हैं, CI-SI वाला फॉर्मूला तब जब 3 वर्ष का दिया हो रहा, तब अभी फिलहाल आपको नोट करके उतार के रखना है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लगा के बताएंगे, और देखिएगा कितना आसानी से क्वेश्चंस को आप बना लेते हैं। सो यहां भी कुछ बात लिख लिया गया है, इस बात की चर्चा हम अभी अगले क्लास में करेंगे, इस बात की चर्चा बिल्कुल घबराए नहीं, इस बात की चर्चा हम करेंगे, और सीआई प्रतिशत भी इस बात की भी चर्चा हम अभी करने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराए नहीं। फिलहाल आप इतना समझ गए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।